खरगोन जिले में बच्चा चोरी की अफवाह थमने का नाम नहीं ले रही है। महेश्वर के गांव भुवन तलाई में ग्रामीणों द्वारा इंदौर से महेश्वर की ओर आ रहे पर्यटक पर जानलेवा हमला किया, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रात में इंदौर से महेश्वर आ रहे कार सवार रास्ता भूलने के बाद गांव भुवन तलाई पहुंच गए। ग्रामीणों ने उन्हें बच्चा चोर समझकर उन पर हमला कर दिया, जिसमें 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए। पुलिस का 108 वाहन जब इन घायलों को लेने पहुंचा तो ग्रामीणों द्वारा 108 वाहन पर भी हमला किया गया। सूचना पर महेश्वर का पुलिस फोर्स गांव पहुंचा और घायलों को महेश्वर अस्पताल पहुँचाया गया। पुलिस ने हमला करने वाले करीब 12 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। शीघ्र ही 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं घायलों को महेश्वर से इंदौर रेफर किया गया है। एसपी सुनील कुमार पांडे ने कहा कि बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वाले इस तरह की मारपीट घटनाएं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। बच्चा चोर समझ लेते सब लोग तो आप टोटल कितने लोग थे? जैसे 8 लोग थे। आप इंदौर से महेश्वर क्यों जा रहे हैं? क्या मामला था मैडम? 7 लोग आए थे 100 डायल से, जिनको बहुत मारपीट की गई थी, गंभीर रूप से घायल थे 4 लोग, उनको हम लोगों ने इंदौर भेज दिया है। उनके साथ में जो 3 लोग थे उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दी थी, उनको भी साथ में इंदौर भेज दिया है। किस गाड़ी से आए थे ये लोग? ये 100 डायल से लेके आए थे। इनको कहाँ कहाँ चोटें आई थी? इनको मेनली सर में ज़्यादा इंजुरी थी और खून भी बहुत ज़्यादा जा रहा था, बाकी पूरे बॉडी में ही मारा है उनको, मतलब डंडे से मारा गया है, लट से, तो पूरी बॉडी में ही इंजुरी है उनको। मेनली 4 लोगों को सर में ज़्यादा इंजुरी है, जिसके कारण उनको ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए उनको इंदौर भेजा गया। क्या शुभ नाम लिखना है? मैं डॉक्टर वंदना कुमार। देखिए क्या है कि ये कुछ लोग थे, इसमें कुछ इंदौर के थे, कहीं के थे, एक लोकल वहाँ गुजरी गाँव है जो धार जिले में पड़ता है, लोकल वहाँ का बंदा था जिससे ये लोग परिचित थे। ये उसको लेके किसी ढाबे पे खाना खा के वहाँ से ये इंटीरियर की एक रोड पे निकल गए थे। इनका कहना है कि ये गए तो वो रोड एक जगह बंद हो रही थी, वहाँ से जब ये गाड़ी घुमाने लगे, वहाँ कुछ ग्रामीण लोग थे जिनको ऐसी आशंका हुई कि ये चोर है, तो उन्होंने कहा चोर चोर, तो ये लोग गाड़ी घुमा के भागे, तो उन्होंने इस पर पत्थर फेंका, तो वहाँ से भागते भागते फिर उस गांव के लोगों ने आगे भुवन तलाई गांव के लोगों को फ़ोन पे सूचना कर दी थी कि ये यहां से कुछ लोग ऐसे भागे हैं। जो चोर चोर हल्ला हुआ था वो धीरे धीरे बच्चा चोर जो अभी अफवाहें चल रही हैं, इस टाइप की उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो भुवन तलाई के लोग इस गाड़ी को रोक लिए, इसमें जो लोग बैठे थे उनके साथ मारपीट की। पुलिस को सूचना मिली थी, डायल 100 गाड़ी वहाँ पर गई, पुलिस फोर्स पहुँचा, इनको इनके साथ काफ़ी मारपीट हुई थी, इनको वहाँ से छुड़ा के ले आए और इनका प्राथमिक इलाज करके इनको रेफर किया गया है। इसमें जो एक वहाँ पे बंदा था जो लोकल था उसकी तरफ से केस हमने रजिस्टर किया है और ये 307 भी हमने लगाई है, वो इसलिए कि काफ़ी दिनों से इस तरह का झूठा और दुष्प्रचार चल रहा है बच्चा चोरी का, जबकि एक भी घटना इस तरह की हुई नहीं है। और इन हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।